नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में ओमिक्रॉन की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज आने की जानकारी। नागपुर के अंबाजरी तालाब में खुदकुशी करने वाले छात्र की जान पुलिस ने बचाई, मां की मौत से दुखिता छात्र, पुलिस ने दिया जीवनदान। और माड़ा में नौकरी पाने के लिए ली जाने वाली परीक्षा स्थगित, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्रों में छाई निराशा। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में कोविड संक्रमण के चलते लंबे लॉकडाउन के बाद अब हालात सामान्य हो रहे थे। टीकाकरण अभियान से संक्रमण पर काबू पाया जा रहा था, परंतु कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी पुणे, मुंबई के बाद आज नागपुर में ओमिक्रॉन का मरीज मिला है। जी हाँ, इसके कारण दहशत का माहौल हो गया है, जिसके बाद नागपुर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। कोविड की पहली लहर में सबसे अधिक मरीज सितंबर 2020 में मिले थे। इसके चार महीने बाद फरवरी 2021 में एक बार फिर से मरीज संख्या बढ़ने लगी। दूसरी लहर के दौरान भी अप्रैल माह में मरीज संख्या 1,81,749 तक पहुंच गई थी। वही 2,290 मरीजों की जान गई थी। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से लोगों में भय का माहौल था, परंतु मई से मरीज संख्या कम होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। जुलाई से रोगी संख्या सामान्य होती गई। अब नए वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए एक बार फिर स्वास्थ्य मशीनरी काम पर लग गई है। नागपुर में पाया गया ओमिक्रॉन का मरीज पश्चिम अफ्रीका से आया हुआ है, जो शहरवासियों के लिए चिंता की बात है। वहीं मेडिकल मेयो एम्स प्रशासन में करीब 1,300 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि हालात को देखते हुए प्रशासन की ये पूर्व तैयारी है। नागरिकों से भी अपील है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें। नागपुर में मां की मृत्यु से दुखी छात्र को पुलिस ने अंबाजरी तालाब में डूबने से बचा लिया। अंबाजरी पुलिस एक अन्य आत्महत्या के मामले में शव निकालने के लिए तालाब परिसर पहुंची थी, तब अचानक एक युवक की तालाब में कूदने की आवाज आई, जिसके बाद उसे तत्काल प्रभाव में बचा लिया गया। यह घटना रविवार की सुबह हुई। सुबह 8:50 पर अंबाजरी तालाब में शव दिखाई देने का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव बाहर निकाला। वहां उसकी की गई पार्क बाइक से शव राजेश कृष्णराव काले से कामगार कॉलोनी का होने का पता चला। ड्राइवर का काम करने वाले काले को तैराकी का शौक था। उनके तैरने के दौरान डूब जाने का कयास लगाकर पुलिस घटना की जांच करने लगी। पुलिस एक और इस मामले की जांच कर रही थी, उसी दौरान पंप हाउस के पास से एक 20 साल के छात्र ने अंबाजरी तालाब में छलांग लगा दी। घटनास्थल के करीब ही मौजूद पुलिस अधिकारी व दल तत्काल हरकत में आ गया। उसने चंद्रमणि नगर के तैराक देवीदास जामुलकर की मदद से युवक को डूबने से पहले ही तालाब से बाहर निकाल लिया। पुलिस और लोगों को देखकर छात्र रोने लगा। इससे पुलिस को उसके तनाव अथवा अवसाद में होने का पता चल गया। 5 माह पहले युवक की मां की मृत्यु होने का बताया गया है। छात्र माता पिता का इकलौता बेटा था। मां की मृत्यु के बाद से उसे जीवन एकाकी लग रहा था। उसे रह रहकर मां की आस सताती थी। उसका अध्ययन में भी मन नहीं लगता था, वह अवसाद में चला गया था। रविवार की तड़के अंबाजरी में खुदकुशी करने के इरादे पांचपावली स्थित घर से रवाना हुआ। PI अशोक बागुल, हरिदास मड़ावी, API अचल कपूर, सिपाही प्रशांत गायधने ने छात्र को किसी तरह शांत किया। पूछताछ करने पर उसने मां की मृत्यु के दुख में खुदकुशी का कदम उठाने का बताया। पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना दी। आमचे API कपूर आणि बाकीचे कर्मचारी नाईट ड्यूटीवर असताना त्यांना एक खबर आली की अंबाजरी तलावावर एका अनोळखी इसमाचा प्रेत तरंगताना दिसत आहे। मग API कपूर आणि प्रशांत आणि बाकीचे लोक तात्काळ तिथे घटनास्थळी पोहोचले। त्यांनी तिथं आता आमच्याकडे ऑलरेडी फुटाळा किंवा अंबाजरी तलावाचे काही पट्टीच्या पोहणाऱ्यांचे नंबर्स असतात,
जातानाच आम्ही त्यांना बोलवलं आणि तिथं घटनास्थळ पोहोचले असता ते डेड बॉडी आम्ही काढली आणि त्याचं आयडेंटिफिकेशन चालू असतानाच त्याच्यावर बाकीचं पंचनामा वगैरे कारवाई चालू असतानाच तिथं धडामगण पाण्यामध्ये आवाज आला। ते एपीआय कपूर प्रशांत आणि बाकीचे जे लोक तिथं हजर होते त्यांनी तात्काळ तिकडे पाहिलं तर एक तरुण पाण्यात उडी मारताना दिसला। यांनी तात्काळ ती डेड बॉडी तशीच सोडली आणि पटकन तिथं पाण्यामध्ये उडी मारली। आमचा कॉन्स्टेबल प्रशांत एपीआय कपूर आणि ते पट्टीचे पोहणारे सद्ग्रस्त होते आणि यांनी पोहून त्याला बाहेर काढला। तो हातपाय झटकत होता आणि त्याच्या नाकातोंडात पाणी गेलेलं होतं। त्याला बाहेर काढल्यावर जी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट असते ती एपीआय कपूर प्रशांत आणि बाकीच्या लोकांनी दिली आणि नंतर तो जेव्हा थोडासा सेटल व्हायला लागला तात्काळ मग त्याला आम्ही स्वतः पण जाऊन तिथं भेटलो। त्याला विचारलं सुमारे 20 वर्ष वयाचा तो तरुण होता थोडासा मेंटली डिस्टर्ब होता। दरम्यान मग त्याच्याकडून आम्ही त्याचा पत्ता वगैरे मोबाईल वगैरे घेऊन त्याच्या वडिलांनाही बोलवलं। दरम्यानच्या काळामध्ये अंबाझरी तलावाच्या आसपास फिरणारे काही तिथं लोक पण आले। तिथं असलेलं एक कपल अनोळखी कपल होतं त्यांनी पण त्या मुलाला खूप चांगलं समजावलं। त्या मुलाने जी घटना सांगितली ती घटना ऐकून तिचे काळजाला झरे पडण्यासारखी ती घटना आहे छिद्र पडण्यासारखी की 4 नोव्हेंबरला दिवाळीच्या दिवशी त्याच्या आईचा जिच्यावर तो खूपच प्रेम करत होता तिचा अतिशय फ्रीक ऍक्सिडेंट झाला आणि त्याच्या डोळ्यासमोर त्याच्या आईला वाहनाने चिरडलं कारंजा लाड। तेव्हापासून याची जी मनस्थिती ऑलरेडी जी विकल अवस्थेत होता तो अजून जास्त विकल झाला विक्षिप्तपणे वागू लागला आणि त्याच्या वडिलांनी आम्हाला सांगितलं की तो कमी 3 ते 4 वेळेस सुसायडल टेंडन्सी त्याच्यात आल्या होत्या निघून गेला होता। त्याचे वडील जेव्हा बोलत होते तेव्हा आमच्या डोळ्यात पाणी येत होतं की त्याचे वडील म्हणायचे की साहेब मी तर ड्रायव्हर आहे म्हणे मी जेव्हा जातो ड्युटीला तेव्हा घरी येताना माझा मुलगा असेल की नाही याची मला भीती वाटते शंका वाटते। तर नेमकं काल तसंच झालं म्हणे आम्ही याला रात्रभर शोधत होतो म्हणे आणि तुम्ही त्याचा जीव वाचवला। बरंच त्यांनी पोलिसांना जे काही आभार मानायचे ते मानले। अतिशय महत्वाची बाब इथं अशी आहे की त्या मुलाला असं वाटत होतं की माझी आई गेली म्हणजे माझं विश्व संपलं आणि ऑलरेडी तो मनोरुग्ण काही प्रमाणात मनोरुग्ण असलेला मुलगा अजून जास्त डिप्रेशनमध्ये गेला आणि त्यातून त्याने ही घटना अंजाम देण्याचा प्रयत्न केला। जर आमच्या पोलिसांनी आणि त्या पट्टीचे पोहणारे जे होते तात्काळ उडी घेतली नसती तर कदाचित एका डेड बॉडीवर पंचनामा करताना दुसऱ्या डेड बॉडीवर पंचनामा करण्याची वेळ पोलिसांना आली असती। हे सगळं ऐकल्यावर आमचंही मन हृदय अतिशय डोळे पाणावले मन भरून आलं विषण्ण झालं मन। तर माझी जनतेला आपल्या मार्फत ही विनंती आहे की आईवडिलांनी कृपया मुलांचं मन जाणून घेणं गरजेचं आहे। सर्व आईवडील मुलांवर प्रचंड प्रेम करतात पण मुलं आपल्याविषयी काय विचार करतात विशेषतः ह्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात तुम्ही जर मुलांचा मोबाईल काढून घेतला तर रागात येऊन चिडून जाऊन निघून जाण्याच्या आणि अनेक काही सुसाईडच्या अटेम्प्टच्या सुद्धा घटना घडलेल्या आहेत। तर आपल्या मार्फत माझी आईवडिलांना पॅरेंट्सना टीचर्सना एल्डर्सना सर्व समाजाला विनंती आहे की वी नीड टू टेक दीज यंग किड्स इन टू कॉन्फिडन्स। ते जर आपल्या स्तराचा विचार करू शकत नसतील तर आपण त्यांच्या स्तराचा विचार करून त्यांचं मन भावना जाणून घेणं गरजेचं आहे त्यांना विश्वासात घेणं गरजेचं आहे। आज पोलिसांनी फक्त पोलिसांचा इन्व्हेस्टिगेशनचा रोल प्ले नाही केलेला आहे तर जीव वाचवण्याचा सुद्धा रोल प्ले केलेला आहे काउन्सिलरचा सुद्धा रोल प्ले केलेला आहे आणि रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशनमध्ये जी काही भूमिका पोलीस करू शकतात तो सुद्धा रोल आज आम्ही प्ले करण्याचा प्रयत्न केला आहे। आमचे पोलीस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार साहेबांनी आमचे नॉर्थ रिजन श्री रेड्डी साहेबांनी विनीता साऊ डीसीपी मॅडमने आम्हाला या बाबतीमध्ये स्पेसिफिक सूचना दिलेल्या आहेत की दैनंदिन रुटीन कामं पोलिसांची होतातच होतात मात्र अशा घटना की जिथं पोलिसांचं एक वेगळं रूप बाहेर येणं गरजेचं असतं तिथं सुद्धा तुम्ही आपलं काम व्यवस्थित करा आणि ही जाणीव आमच्या डोक्यात सतत असायची असते म्हणून आम्ही आमचा जे काही प्रयत्न असेल तो केलेला आहे आणि एक तरुण जीव वाचवलेला आहे। राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ की ओर से रविवार को शंकरनगर के साई सभागृह में पहला विदर्भ स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता के रूप में मिर्जा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े ने की। इस अवसर पर राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले विधायक विकास ठाकरे परिणय फुके अभिजीत वंजारी की मौजूदगी रही। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मागील 7 वर्षापासून ओबीसी समाजाला जे संविधानिक अधिकार मिळायला पाहिजे संविधानिक सोयी आणि सवलती मिळायला पाहिजे संविधानिक अधिकार मिळायला पाहिजे जे मागच्या 75 वर्षात आम्हाला कधीच मिळाले नाही ते मिळवून घेण्याकरता सातत्याने
केंद्र सरकार असो राज्य सरकार असो यांच्यापुढे धरणे आंदोलने मेळावे अधिवेशन घेऊन आम्ही मागत असतो आणि काही अंशी दरवर्षी आम्हाला त्याच्यामध्ये यश मिळत असते, परंतु 100% यश अजूनपर्यंत मिळालेलं नाही। आणि म्हणून ह्या सर्व समाजातल्या ज्या संविधानिक न्यायपूर्ण मागण्या आहेत, समस्या आहेत, त्या सोडवून घेत असताना आम्हाला लीगल ॲडवाईस फार महत्त्वाचा होता की कायदेशीर सल्ला जोपर्यंत संघटनेला मिळणार नाही, संघटना योग्य त्या पद्धतीने आपला संघर्ष सुरू ठेवू शकत नाही। आणि म्हणून आम्ही आमच्या ओबीसी समाजाच्या वकील लोकांना विनंती केली की आपण सर्व एकत्रित येऊन आपल्या ओबीसी समाजाच्या संविधानिक मागण्यांसाठी पुढे आले पाहिजे आणि तुमच्या माध्यमातून आम्ही केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून आपल्या सर्व मागण्या मंजूर करून घेऊ शकतो। आज प्रामुख्याने ओबीसीची जनगणना करणे, केंद्रामध्ये ओबीसी मंत्रालय स्थापन करणे, विद्यार्थ्यांना 100% स्कॉलरशिप मिळवून घेणे, विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तालुक्यात वसतिगृह बांधणे ह्या मूळ समस्या आहेत। आणि सध्याचं जे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेलं आहे, हे राजकीय आरक्षण पूर्ववत 27% चालू ठेवण्याकरता संविधानाच्या कलम 243(d) आणि टीच्या सबसेक्शन 6 सुधारणा करून, केंद्र सरकारने सुधारणा करून देशातील ओबीसीला 27% राजकीय आरक्षण मिळवून द्यायला पाहिजे, द्यायला याकरता हा लढा लढण्याकरता राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाची आज स्थापना झाली, त्यांचं आज पहिलं अधिवेशन या ठिकाणी होतं आहे। यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणखी सुदृढ आणि मजबूत होईल याची मला खात्री आहे। म्हाडा में नौकरी पाने की उम्मीद के लिए रविवार को नागपुर पहुंचे उम्मीदवारों को केंद्र पर पहुंचने के बाद पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई, जिससे उन्हें निराश होकर उल्टे पांव घर को लौटना पड़ा। माड़ा के 565 पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजन किया गया था। कहा जा रहा है कि गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को परीक्षा को लेकर शिकायत मिली थी, लिहाजा शनिवार की मध्यरात्रि में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। इसके लिए देशभर उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा देने के लिए महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी उम्मीदवार यहां पहुंचे थे, जबकि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के बाद पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई, जिसके कारण छात्रों में घोर निराशा छाई हुई है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागपुर क्राइम ब्रांच के एसएसबी ने सलून की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे को पकड़ा है। पुलिस ने सलून के संचालक को गिरफ्तार कर दो महिलाओं को मुक्त कराया है। आरोपी चूना भट्टी अजनी निवासी रवि दशानंद चौधरी है। रवि का अजनी चौक स्थित भवानी चेंबर की पहली मंजिल पर रेडी फाइन द प्रोफेशन फैमिली सलून है। उसने कुछ समय पहले देह व्यापार का अड्डा आरंभ किया। वह सलून में ग्राहकों को युवतियां उपलब्ध कराता था। मिली जानकारी के मुताबिक सलून की आड़ में देह व्यवसाय की भनक पहले से ही थी, जहां एसएसबी ने शनिवार शाम सलून में डमी ग्राहक भेजा। उसके द्वारा युवतियों का सौदा करते ही पुलिस ने छापा मार कर रवि को पकड़ लिया। सलून से दो युवतियां मिली। रवि ने अधिक पैसे कमाने का झांसा देकर उन्हें देह व्यापार करने को कहा। तंगी के चलते युवतियां तैयार हो गई। पुलिस ने सलून के संचालक को गिरफ्तार कर दो महिलाओं को मुक्त कराया। आरोपी चूना भट्टी अजनी निवासी रवि दशानंद चौधरी है। रवि का अजनी चौक स्थित भवानी चेंबर की पहली मंजिल पर रेडी फाइन द प्रोफेशन फैमिली सलून है। उसने कुछ समय पहले देह व्यापार का अड्डा आरंभ किया। वह सलून में ग्राहकों को युवतियां उपलब्ध कराता था।
वेकोली वणी परिसर में गुग्गुस खदान संकुल में बनाए गए नए बाईपास रोड पर बैरम बाबा मंदिर परिसर के पास कारगिल चौक से पैनगंगा की ओर जा रहे 18 पहिया ट्रक ने सामने से जा रहे ट्रैक्टर को कुचल दिया। शनिवार की शाम करीब 4 बजे हुई दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर काफी समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार घुग्गुस के बैरम बाबा परिसर में ट्रैक्टर सामने जा रहा था, उसी समय कारगिल चौक से पैनगंगा की ओर जा रहे 18 पहिया ट्रक ने अनियंत्रित वाहन चलाते हुए ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें ट्रैक्टर पर सवार ट्रैक्टर चालक मनोज, मजदूर रूपेश बारसागड़े, इनकी मौत हो गई जबकि 1 घायल हो गया। इसी बीच घटनास्थल पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने घायल को तुरंत उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल रवाना किया। मृतकों के मुआवजे को लेकर लोग अड़ गए। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रक मालिक से प्रत्येक मृतक को 50 लाख की मांग की। जब तक मुआवजा नहीं मिलता मृतकों के शव घटनास्थल से नहीं उठाने की चेतावनी दी। इससे यहां कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई थी। चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊर्जानगर वार्ड क्रमांक 6 के नेरी में सुबह शौच के लिए गए एजाज खान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इसमें वह पूरी तरह से घायल हो गया। क्षेत्र के दोनों दिशाओं से लगातार जंगली जानवरों के हमले से दोनों ग्राम पंचायतों दुर्गापुर ऊर्जानगर के लोग दहशत में है। दिन हो या रात कभी भी कहीं भी जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं। वन विभाग मुख्यदर्शक बना हुआ है। शनिवार को तड़के करीब 5 बजे नेरीवासी एजाज खान रमजान खान पठान पास की श्मशान भूमि के नजदीक शौच के लिए गया था, तब तेंदुए ने हमला कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पास के मकान वाले कालिदास दुर्योधन ने भी अन्य लोगों को मदद के लिए बुलाया। उनकी आवाज सुनकर दीपक येरेवार डंडा लेकर दौड़ा जिसके बाद तेंदुआ भाग गया। इस दौरान एजाज खान बुरी तरह घायल हो गया था। उसके गर्दन, सिर और आंख पर घाव है। घटना से एक दिन पहले पास के एक घर के आंगन में रात को तेंदुआ दिखाई दिया था। आधा किलोमीटर के दायरे में 2 वर्षों में 4 लोगों की मौत तेंदुए के हमले में हुई है जबकि 2 घायल हुए हैं। 3 वर्ष पहले घर में घुसकर 7 बकरियों को तेंदुए ने एक ही रात में मार दिया था। लगातार जंगली जानवरों के हमले के कारण परिसर के लोगों में डर का माहौल है। मुन्ना आवले, किशोर आवले, रमेश बिसेन, राजू मोहरले ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। मोटर वाहन कानून में कम जुर्माना होने से वाहन चालक बेखौफ और मनमाने ढंग से नियमों के विपरीत ओवरलोड वाहन दौड़ाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। लेकिन अब शासन ने ऐसे मामलों में एक संशोधित मोटर वाहन कानून बनाया है। जी हां, राज्य में 1 दिसंबर से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसलिए नया कानून उन लोगों के लिए बड़े दंड वाला साबित हो रहा है। नए नियम के अनुसार ओवरलोड माल का परिवहन करते हैं, दूसरी बार नियम तोड़ने पर विचार नहीं करते हैं और निर्धारित व्यवस्था के खिलाफ वजन से अधिक लोड लेकर वाहन दौड़ाते हैं, उन पर सीधे 40,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। वही बिना जरूरी दस्तावेज साथ लिए मोटर चालकों पर जुर्माना भी लगेगा तथा यदि वाहन का वजन 1 निश्चित वजन से अधिक है तो प्रति टन अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य में हर ओर विभिन्न वाहनों में ओवरलोड माल भरा जाता है। विशेष तौर पर गोंदिया जिले से मुंबई कोलकाता इस राष्ट्रीय महामार्ग पर इस तरह का परिचालन बड़े पैमाने पर होता है। पूर्व में अतिरिक्त वजन वाले वाहनों से टन के अनुसार दंड वसूला जाता था। इसे लेकर ऐसे वाहन चालक किसी तरह की परवाह नहीं करते। वाहन मालिक पर अनेक बार ओवरलोड वाहनों को लेकर मामला दर्ज किया जाता था, लेकिन अब मोटर वाहन कानून में संशोधन किया गया है। दंड की रकम सीधे 40,000 रुपए कर दी गई है जिसमें वाहन चालक पर 20,000 और वाहन मालिक पर 20,000, इस प्रकार कुल 40,000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 94(1) अनुसार यह कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहनों के लिए ठहराए गए वजन से अधिक यानी जितना टन माल होगा उसके अनुसार प्रति टन 4,000 रुपए, चालक 2,000 व मालिक 2,000 का भुगतान करना पड़ेगा। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ।